सोलन के रामलोक मंदिर में जल्द ही नागलोक की स्थापना की जाएगी। ये जानकारी रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव ने दी। उन्होंने बताया कि रामलोक मंदिर उत्तरी भारत का पहला नागलोक होगा, जहां पर ये सभी के दुखों को दूर करेगा और सुख समृद्धि लाएगा। आपको बता दें कि इस नागलोक की ये खासियत होगी कि 5 फुट ऊंची नाग माता की मूर्ति स्थापना होगी और नागराज की ऊंची मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। बाबा अमरदेव ने बताया कि रामलोक में भगवान शिव के आशीर्वाद से गौतम ऋषि को खुश कर नागलोक के सत्यापन की अनुमति ले नागलोक की स्थापना मात्र से हिमाचल आपदाओं से बचा रहेगा। वहीं धन धान्य की हिमाचल में कमी नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों को काल सर्प दोष है वो यहां आकर उस दोष को कम कर सकते हैं। हिमाचल के जिला ऊना की शिवालिक खूबसूरत की पहाड़ियों के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म आतुर मंदिर वो स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने 100 पौत्रों के उद्धार के लिए आहुतियां डाली थी। कहते हैं यहां ब्रह्म कुंड में स्नान करके सच्चे दिल से भगवान ब्रह्मा से मनौतियां मांगने पर मन्नत पूरी होती है। विशेषकर बैसाखी के दिन जहां स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन ब्रह्मा जी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने अपने पौत्रों के उद्धार के लिए सभी देवी देवताओं के साथ आहुतियां डाली थी। मंदिर के साथ ही सतलुज नदी बहती है जो पुराने समय में ब्रह्मगंगा के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी नदी के मुहाने पर मंदिर के साथ एक कुंड है जिसे ब्रह्मा कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करके सच्चे मन से ब्रह्मा जी से जो भी मांगा जाता है वह अवश्य पूरा होता है। विशेष रूप से बैसाखी के दिन स्नान करना बेहद शुभ ही माना जाता है और इसी के चलते आज के दिन यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों ने शाही स्नान किया। यहाँ पे आए हुए लोगों ने बताया कि बैसाखी के दिन इस स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए बैसाखी के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर माथा टेक कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास शिवालिक की इन्हीं पहाड़ियों में गुजारा था और अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस स्थान पर स्वर्ग जाने के लिए रात्रि के समय 5 पौड़ियां बनानी शुरू की थी, मगर भौर के समय कोई बूढ़ी औरत चक्की चलाने के लिए जाग गई और पांडवों ने पहचाने जाने के डर से उन 5 पौड़ियों का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया। कहते हैं कि उसमें तक पांडव केवल 2.5 पौड़ियां ही बना सके। ऐसा माना जाता है कि 2.5 पौड़ियां आज भी ब्रह्मा गंगा नदी के ब्रह्मा कुंड में मौजूद हैं। हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए जुट गई है। इसी के चलते हमीरपुर शहर के बीचों बीच कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनजर कार्यालय खोल दिया है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने किया। इस अवसर पर संसदीय सीट के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल वर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को 2 टूक शब्दों में कहा कि अपने बूथ स्तर पर कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव और धमकी नहीं देता है और पार्टी का अपना नीतिगत मामले के तहत कार्यकर्ता को अपने उत्तरायित्व का निर्वहन करना ही पड़ेगा। कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी में असुरक्षा की भावना बनी हुई थी और 2 सीटों पर आनंद फानन में उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। वहीं हमीरपुर के वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर हाईफाई ही बने रहे हैं और अपनी सांसद निधि तक को खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि जो गांव अनुराग ठाकुर ने गोद में लिया हुआ था उसकी भी बदतर हालत है। भाजपा मंडल नादौन ने अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन सरेड़ी गांव में आयोजित किया। इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक वर्ष के अंदर अस्पताल सेवा की ओर से 1 लाख से ज्यादा लोगों को
स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया है। बाबा साहब आजीवन सामाजिक समरसता और पिछड़ों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। उनका संघर्ष आज के दौर में भी प्रासंगिक है और उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने गत वर्ष प्रयास संस्था के सहयोग से अस्पताल मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की थी। जब हम बाबा साहेब की 128वीं जयंती मना रहे हैं तो इस अस्पताल सेवा ने अपनी शुरुआत के मात्र एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों की सेवा करने का रिकॉर्ड बना दिया है, जो बाबा साहेब को समर्पित है। इस अस्पताल सेवा के अंतर्गत 17 मोबाइल मेडिकल गाड़ियों के जरिए हमीरपुर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में लोगों को उनके घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अभी तक लोगों के जांच और इलाज पर खर्च होने वाले 7 करोड़ से ज्यादा रुपए की बचत हुई है। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नितिन कुमार, मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनजीत ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी व लोग उपस्थित रहे।